मेवे से बनाएंगे मैंगो केक। सबसे पहले हम एक कप मैंगो प्यूरी लेंगे, जिसे हमने छील के काट के और मिक्सी में घुमा लिया है। अब इसमें आधा कप मिल्क मेड डालेंगे। हाफ कप मलाई डालेंगे। आप चाहे तो बाजार वाला बटर या फिर घी या तेल भी डाल सकते हैं। हमने घर का मलाई डाला है। 3 टेबलस्पून चीनी डालें। पीसी हुई चीनी डालें, उससे जल्दी पिघल जाएगी, जल्दी मिल जाएगा पिसा हुआ चीनी डालने से। 3 टेबलस्पून चीनी डालें। अब इसे एक बीटर से फेंट लेंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लें या फिर हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। इस तरह इसे बीट कर लें। अब इसमें 1 कप आटा डालेंगे। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, पर हम इसे आटे से बना रहे हैं। इसमें 1 कप और 1/4 कप आटा डालेंगे। इसे भी डाल के बीट कर लेंगे। एक बार इस तरह हाथों से मिला ले इसे, नहीं तो आटा पूरा उड़ जाएगा। और फिर इसे धीरे धीरे करें। अब हम आधा कप दूध लेंगे और इसे डालेंगे और फिर से इसे मिलाएंगे। दो टेबलस्पून दूध और डालेंगे और इसे डाल के भी मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर डालेंगे, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। इन सबको भी डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लें। तैयार है। 1 बेकिंग डिश को हमने इस तरह बटर पेपर लगा के और ऑयल लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम बैटर को डालेंगे। बैटर को इसमें डालें। बैटर डाल के इसे लेवल कर लें और अब इसे हम ओवन में रखेंगे। केक को हमने 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए टाइम सेट करके ओवन में रखा है। 1.5 कप क्रीम ले लेंगे, व्हिप्ड क्रीम, और इसे अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। मिनट्स हो चुके हैं। एक बार इसे हम चेक करेंगे। इसे इस तरह निकाले और एक टूथपिक डाल के देख लें। इसे 5 मिनट के लिए और बेक करेंगे। थोड़ा सा ये गीला लग रहा है।
पांच और बेक करेंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, केक हमारा बेक हो चुका है। इसमें टूथपिक डाल के देखें, ये बिल्कुल क्लियर निकला है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक हल्का ठंडा हो चुका है, अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे। साइड्स को लूज कर ले। अब इसे इसके ऊपर इस तरह फ्लिप करके इसे डिमोल्ड कर ले। इसका पेपर हटा दे। देखिए केक कितना अच्छा बना है और कितना स्पंजी बना है, बिल्कुल सॉफ्ट केक बना है। अब इसे बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इसके ऊपर हम व्हिप्ड क्रीम स्प्रेड करेंगे। इस तरह व्हिप्ड क्रीम ले और पूरे में स्प्रेड कर दें। पूरे केक में इसे स्प्रेड करें। अब इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में एक आम को हम चॉप कर लेंगे और इसे इस पे स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। अच्छी तरह से आम को स्प्रेड कर लें। अब इसको ऊपर वाले लेयर से कवर कर देंगे। अब फिर इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड करेंगे। ऊपर में, साइड में, चारों ओर अच्छे से क्रीम स्प्रेड कर लें। चारों ओर अच्छे से कवर कर ले क्रीम से। इस तरह इसे अच्छे से ऊपर और चारों साइड्स में क्रीम लगा लें। अब एक इस तरह का स्पैचुला लेके आधे में इस तरह प्रेस कर करके इसे उठा दें। बस आधे में ही इस तरह करना है। और इस तरह आम के बिल्कुल पतले पतले स्लाइस काट के फ्लावर आधे में बना देंगे। एक इस तरह रोल करें, इसे प्रेस कर दें और इसके चारों ओर इस तरह प्रेस करते हुए एक एक स्लाइस लगाते जाएं। जितना बड़ा फ्लावर आपको बनाना हो उतने स्लाइस लगाएं। इस तरह एक एक स्लाइस लेते जाएं और इस तरह प्रेस करते हुए फ्लावर बना लें। इसी तरह एक फ्लावर और बना लेंगे। आपको जितना मर्जी उतना फ्लावर बनाएं। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह साइड्स में मैंगो स्लाइस लगा दें। मैंगो केक तैयार है। इसमें मैंगो का फ्लेवर अच्छे से दिया हुआ है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और केक भी बहुत ही स्पंजी बना है। इसे जरूर से बनाएं। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर लें। अब इसे हम काट के दिखाते हैं आपको ये कितना स्पंजी बना है।